पीछे गाड़ी सर, अभी हाथ लगा दीजिए सर। ऑब्जर्वर साहब को भेजना सर, ऑब्जर्वर साहब को इधर सर। कुंडली उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत हुई है, 3649 वोट से जीते हैं। और हमारे साथ बात करेंगे कि आखिर सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकले हैं केदार गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी है। ऐसे में बात करेंगे न्यूज फॉर नेशन के माध्यम से। केदार जी, चुनाव जीत हुई है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यह कुंडली की जनता महान जनता की जीत है और कुंडली के प्रति मेरी जवाबदेही और बढ़ गई है। जो काम पिछले 15 से 20 में मैंने किया था, जो काम छूट गया उस काम को पूरा करूंगा। कुंडली की जनता खाएगी, कुंडली की जनता। तो पूरी बात कर रहे थे, आखिर किस तरह से पूरी तस्वीरें दिखा रहे थे कि केदार गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो आखिर कैसे, देखिए किस तरह से चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से बात कर रहे थे। आखिर कैसे वीआईपी की जो लड्डू है वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खाएंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, कुंडली उपचुनाव में परचम लहराया है। हालांकि इस जीत में शराबबंदी एक मुद्दा था और शराबबंदी के कारण लोगों ने आक्रोशित होकर वोट भारतीय जनता पार्टी में महागठबंधन के होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को दिया। देखते रहे न्यूज फॉर नेशन, कैमरामैन रोशन के साथ मैं अरविंद कलाम, मुजफ्फरपुर।